सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेश श्रीराधिके तव सदा चरणारविंदम्। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि शिरसा वहामि शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री वृंदावन रजरानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। धन धन राधाना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधाना प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा राम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा राम प्यारो सुंदर श्याम धन धन राधा राम प्यारो सुंदर श्याम धन धन राधा राम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा राम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा
श्री राधा राधा पुरुषों ने, बुद्ध जनों ने किंचित संसार की असारता एवं इस जीवन की सार्थकता के विषय में चिंतन करने वाले महानुभावों ने एक चिंतन के फलस्वरूप पाया है कि वस्तुतः उपासना का साधन का सार क्या है। आप जो भी साधन करते हैं, कर रहे हैं किंवा करने का प्रयास कर रहे हैं, साधन की परिणति, साधन का फल वस्तुतः क्या है। बात भगवत दर्शन की या भगवत मिलन की हो तो भगवान तो साधन साध्य है नहीं, क्योंकि अगर भगवान साधन से मिले तो आज नहीं तो कल सभी को मिल जाए। और वैसे भी जीव जो भी करता है उसमें सहज स्वभाववश कुछ त्रुटियां, कुछ अपूर्णताएं हैं, और एक अपूर्ण साधन कैसे उस पूर्ण की, उस पूर्णतम की उपलब्धि करा सकता है। सो किसी भी दृष्टिकोण से साधन से तो भगवान नहीं मिलते, लेकिन साधन की अपनी बहुत बड़ी उपयोगिता भी है। जितने भी उपासना मार्ग हैं, जितने भी आचार्य प्रकट हुए, वो जीव को साधन देने के लिए ही प्रकट हुए। जीवन को साधनमय बनाना ही उनके प्राकट्य का हेतु है, उद्देश्य है। तो साधन से क्या प्राप्त होता है, तो महापुरुषों ने खोज कर पाया कि साधक से भगवान को मिलने की लालसा प्राप्त होती है। इस जीवन की सबसे बड़ी जो ऊर्जा है वो कामना है। आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा कामना है। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में एक संत के निकट बैठा तो चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो अपने वैसे ही अपने जीवन के विषय में बता रहे थे। बोले, लाला कुछ दिन पहले क्या हुआ, रात अर्धरात्रि के समय हमको बड़ी भूख लगाई, हमको ज्वर था, दिन भर कुछ खाया नहीं था, अर्धरात्रि के समय भूख लग आई, और भूख भी ऐसी कि मानो कि प्राण निकलेंगे, अब तो कुछ खाने को चाहिए। तो बोले, उस ज्वर की अवस्था में जहां कुछ देर पूर्व मेरे शरीर में एक गिलास जल पीने की भी सामर्थ्य नहीं थी, उस भूख की अवस्था में मैंने आधी रात को उठकर चौका लगाया, चूल्हा जलाया, रोटी बनाई पाई, और तब निद्रा आई। तो मैंने मन में विचार किया कि देखो, भूख ने सब उपक्रम करा लिया भोजन का, जबकि शरीर में सामर्थ्य नहीं थी, भूख थी तो सब करना पड़ा। ऐसे ही जब जीवन में
भगवत मिलन की भूख हो, भजन की भूख हो, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप साधन संपन्न कर पाएंगे। और भूख ना हो, भूख ना हो तो फिर हमारे पास परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं के, स्वयं की दुर्बलताओं के जाने जाने कितने कितने बहाने हो जाएंगे। हम कितनी बात बना लेंगे, इसलिए नहीं कर पाए, इसलिए नहीं आ पाए, करना तो चाहते थे, आना तो चाहते थे, नहीं हो पाया। बड़ी बात तो यही है कि आप चाहते ही तो नहीं थे। जो भजन, जिससे भजन नहीं बन पा रहा है, वो भजन करना चाहता ही तो नहीं है। चाहे तो कौन रोकने वाला है। बड़े लोग कहते हैं जहां चाह होती है वहीं निकट कहीं राह भी होती है। तो समझ में यही आता है कि ये जितना भी साधन है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, भगवान का दास्य, भगवान की सेवा, समर्पण का ये भाव, ये जितना भी सब साधन है, ये क्या पाने के लिए है? लालसा पाने के लिए है। भूख लग जाए भगवान के भजन की, प्यास हो भगवान के मिलन की। और ये इस लालसा में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि मन, बुद्धि, चित्त और सूक्ष्म अहम तक, इन चारों स्तरों पर जीव का परिष्कार करती हुई ये लालसा अंत में जीवन को भगवत चरणारविंद के अत्यंत सन्निकट ले जाकर खड़ा कर देती है। जीवन सफल, सार्थक हो जाता है केवल इस लालसा से कि मुझे भगवान से मिलना है। इसलिए मैं पूर्व भी कई बार निवेदन किया हूं कि आप कुछ न कर पाए लेकिन श्रवण के परिणाम स्वरूप इतना अवश्य करने का प्रयास करें कि आपके जीवन का उद्देश्य सुनिश्चित हो जाए कि आपको इसी जीवन में भगवान से मिलना है, आपको इसी जीवन में इन आंखों से भगवान का दर्शन करना है, इसी जीवन में। कबीर कह रहे हैं कि मुए मिले न राम, कबीरा जीते देखिए और मुए मिले ना राम। बोले लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। ये जीवन है तो संत रूपी पारस कभी ना कभी मिलेगा। सूरदास कहते हैं ना, एक लोहा पूजा में राख्यो, एक घर बधिक परो, पर ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। ये जब तक जीवन है, जब तक सांस चलती है, जब तक मन है, तभी तक मोहन से मिलने की आशा है। तभी तक, यहां से जाने के बाद जीवन का फल, जीवन की सफलता, जीवन की सार्थकता इन्हीं आंखों से देखने का प्रयास करिए। इसी का नाम साधन है, इसी के लिए उपासना है। तो सर्व साधन के फल स्वरूप, सब साधनों के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? भगवान से मिलन की उत्कट लालसा। और ये लालसा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा साधन है। अगर बात भगवत मिलन की हो, देखो भजन के मार्ग पर चलोगे तो मार्ग में सब कुछ मिलेगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया कि श्री हनुमान जी महाराज जब गए जानकी जी का पता लेने के लिए, सबसे पहले मैनाक पर्वत आ गया, सोने का पर्वत। और क्या कहता है मैनाक पर्वत कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा सा आराम करिए, फिर आगे बढ़िएगा। हनुमान जी ने भी उनके उस आतिथ्य का सत्कार किया, मैनाक पर्वत को स्पर्श किया और मैनाक पर्वत से ये कहकर हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए कि राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। जो कार्य करने निकला हूं पहले वो कार्य पूरा कर लूं फिर विश्राम करूंगा। ऐसे ही, लेकिन हनुमान जी ये निर्णय क्यों ले पाए? क्योंकि हनुमान जी के पास एक उद्देश्य था कि मुझे जानकी जी का पता लेने जाना है, मुझे अपने प्रभु का कार्य पूरा करना है। अगर उद्देश्य नहीं होता तो वहीं पर विश्राम हो जाता। इसीलिए भगवान से मिलन के अतिरिक्त कोई भी आशा, कोई भी भाव, कोई भी अपेक्षा, कोई भी अभिलाषा लेकर आप भजन के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु से मिलन के अतिरिक्त कोई भी इच्छा यदि आप लेकर चलेंगे तो आपका भटकना निश्चित है, तय है। आप भटकेंगे, आप गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि आपके पास उद्देश्य नहीं है। ये बहुत बड़ा दर्शन है जीवन का।
मैं तो नित्य प्रति यही अनुभव कर रहा हूँ कि नित्य प्रति साधन के परिणाम स्वरूप, साधन के फल स्वरूप हो क्या रहा है, क्या दे रहा है साधन? साधन भगवान से मिलने की इच्छा दे रहा है, साधन से भगवान के, भगवान से मिलने की, प्रभु के निकट जाने की इच्छा बलवती हो रही है। क्यों जाए भगवान के निकट, क्या आवश्यकता है? भगवान की कृपा से सब कुछ तो है, जीवन में धन है, मान है, सम्मान है, संपत्ति है, समृद्धि है, समाज में प्रतिष्ठा है, लोक में जय जयकार होती है, सब कुछ तो है। और बहुत सारे साधक लोग इसी में भगवान की कृपा मान लेते हैं कि हम भगवान से जो निवेदन करते हैं भगवान सुन लेते हैं, हमारी तो हर प्रार्थना स्वीकार होती है। आपकी हर प्रार्थना स्वीकार होती है इसमें भगवान की कृपा नहीं है, लेकिन आपके मन में, आपके मन में प्रार्थना के लिए अब कोई स्थान ही नहीं रह गया। आपके मन ने कहां पर आकर विश्राम पाया है? बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदा। सत्संग की कृपा से, साधन की कृपा से, संतों के वचनामृत की कृपा से आपका इतना परिचय हो गया है भगवान के स्वभाव से कि आपको लगता है कि अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अब कुछ कहना आवश्यक नहीं है। आपके मन में ये भाव हो तब आप जाने कि आप साधन कर रहे हैं, तब भगवान की कृपा है। तो भगवान से मिलन की ये जो लालसा है, ये एक ऐसा भाव है, ये एक ऐसा धन है जीवन का, जिसके लिए मीरा कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ये लालसा रूपी ये धन, ये जीवन में जीव को कब प्राप्त होता है? जब कोई संत उसे अपना ले, जब संत उसे स्वीकार कर ले। मैं तो कई बार कहता हूं अधिक से अधिक आप कर सकें तो आप इतना कर लें कि आप किसी संत के संकल्प में अपना एक स्थान बना लें, किसी संत के संकल्प में आपको स्थान मिल जाए, किसी संत के चिंतन में आपको स्थान मिल जाए, कभी जीवन में किसी संत के मुख से आपको यह सुनने को मिल जाए कि आज हम आपको याद कर रहे थे। बस केवल इतना कि किसी संत के संकल्प में आपको थोड़ी सी जगह मिल जाए, आप प्रवेश पालें अपनी किसी सहज क्रिया से, अपनी किसी करनी से, आपका कार्य इतने से हो जाएगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो लालसा रूपी परम धन है, ये तब मिलता है जब संत आपको अपना लेता है, जब संत आपको स्वीकार कर लेता है। स्वीकृति कैसी? संत की स्वीकृति कभी भी वाचिक स्वीकृति नहीं होती। साधु बोले सहज शोभाय, साधु जो कहता है वो साधु का अर्थ क्या है? मनस से एकम, वचस से एकम, कर्मण्य एकम, जो मन से, वचन से और कर्म से एक हो, जो सोचे कुछ और, कहे कुछ और करे कुछ और, वो साधु नहीं। जो सोचे वही कहे और जो कहे सोई करे, जो मनसा वाचा कर्मणा एक हो उसका वाक्य। श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु का शब्द न मेटे कोई, और कहे नानक नानक हरि हुई, तेरी बख्श न मेटे कोई। आपने जगह बना ली किसी संत के चिंतन में, अपनी किसी सहज सी क्रिया से, अपने किसी निर्मल से भाव से, बस अब आपको और कुछ नहीं करना है। देखो संत एक नौका स्वरूप होकर आता है संसार में। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं सतरति सतरति सलोकांश तारयति, एक भक्त आता है इस संसार में। भगवान अपने मुख से कहते हैं मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति, मेरा एक भक्त मेरे तीनों लोकों को पवित्र करता है। और नारद जी तो कह रहे हैं भक्त क्या करता है? सतरति, वो स्वयं तरता है और लोकांश तारयति, और सारे संसार को कृतार्थ करता है जो उसके निकट आता है। देखो आप नौका में बैठते हो तो कोई सभी को चप्पू थोड़ी चलाना पड़ता है, प्रयास तो केवल केवट करता है।
और जाने कितने लोग उस नौका में बैठकर पार हो जाते हैं, थोड़ी सी उतराई देते हैं, बस थोड़ी सी उतराई। ऐसे ही संत रूपी खेवन हार को, सदगुरु रूपी खेवन हार को बस समर्पण रूपी थोड़ी सी उतराई दे दीजिए, बस समर्पण रूपी थोड़ी सी उतराई दीजिए और उस पार हो जाइए। जो मेरा विनम्र निवेदन प्राय करके रहता है कि एक और कर दीजिए अपने जीवन से कर्म का प्रपंच, एक और कर दीजिए ज्ञान का दंभ, भाव की अंजुली भरिए और एक संत के पीछे पीछे चल दीजिए। मैं तो उपासना का फल भी संत के चरणों के आश्रम में ही ढूंढता हूं, पा रहा हूं। उपासना का परिपाक भी सत्संग ही है और उपासना के फल स्वरूप अगर कोई सिद्धि है इस संसार में तो वो भी सत्संग में मन का चित्त का सहज अभिनिवेश ही है, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए, यही सत्संग का फल है। इसी में जीवन का रस छिपा है कहीं ना कहीं, इसी में कहीं ना कहीं इस जीवन का विश्राम छिपा है। जो अनंत काल की यात्रा जो हम चलते आ रहे हैं, कुछ खोजते कुछ खोते कुछ पाते, कुछ जानते कुछ कुछ भूलते, ये जो इतनी लंबी यात्रा है, हम भूलते भटकते यहां तक आ पहुंचे हैं, इसकी सार्थकता इसका विश्राम निश्चित रूप से यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवती, साधु संग है, सत्संग है। जहां से आज हम अपनी चर्चा में प्रविष्ट हुए कि ये जो भगवान से मिलन की लालसा है, मैं फिर आपको दोहराऊंगा, ये आप ये भाव आप अपने जीवन में साधन से साध नहीं पाएंगे। यही भगवान की माया का प्राबल्य है। संसार आंख से दिखता है, कान से भीतर जाता है, आप हाथ से स्पर्श करते हैं। सब कर्मेंद्रियां सब ज्ञानेंद्रियां संसार के विषय से विश्वासित हो चुकी है, कैसे कैसे राह सूझेगी। कबीर कहते हैं ना, गहरी नदियां और नाव पुरानी, माने दोनों ओर से जीव की हानि है। नदी भी बहुत गहरी है, तैरना आता नहीं, और नाव भी बहुत पुरानी है। माने साधन की दृष्टि से तो उस पार पहुंचने की कोई आशा नहीं है। फिर कबीर कहते हैं खेवटिया से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, यहीं पर आकर विश्राम पा लिया उन्होंने, यहीं पर आकर ठिकाना मिल गया कि गहरी नदियां नाव पुरानी लेकिन डरना नहीं, खेवटिया से लगे रहना और कछु लेना न देना इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, बस मगन रहना। तो बड़ा पवित्र ये वैशाख मास, बड़े बड़े भक्त आचार्य इस मास में अवतरित हुए, ऐसे सुंदर समय में प्रभु ने कृपा करके ये 5 दिन हमारे लिए, तो हमारे श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य इस मास में होता है, तो हमारे लिए तो ये पूरा मास उत्सव रहता है। हमारे श्री जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी के मंदिर में पूरा मास उत्सव रहता है, पूरा मास बधाई होती है, पूरा मास आनंद होता है। तो उसी उत्सव में उत्सव के कुछ भाव, उत्सव की कुछ लहरें हमको यहां पर प्रभु ने अवसर दिया इसका आनंद लेने का, हम लोग कथा के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले सब लोग अपने अपने गुरुदेव के चरण कमलों का हृदय में ध्यान करिएगा और मेरे साथ में कहिएगा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा।
शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुले सी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। दर दर रुले सी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। दर दर मेहरबान साहब मेरा चरना चला लिया, मेहरबान साहब मेरा चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं, तन मन वारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र कोडियां दा मुल नहीं सी हीरे आदा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना च बह गया। कोडियां दा मुल नहीं सी हीरे आदा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना च बह गया। कोडियां दा मुल नाम तेरा गाउंदियां ने, नाम तेरा गाउंदियां ने, दिल दियां तारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा।
रहमतां नूं वेख अखां हस पईआं रोंदीआं साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नी होंदियां रहमतां नूं वेख अखां हस पईआं रोंदीआं साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नी होंदियां रहमतां नूं वेख क्यों ना दाता तेरे तो मैं क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा शुक्र शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। तो जैसा मैंने अभी निवेदन किया, ये परम पवित्र ये वैशाख मास समग्र सृष्टि को अपनी उपस्थिति से त्रिताप से मुक्त कर देने वाले चरण, अपनी सहज कृपा से अन अधिकारी को भी श्री चरणों के सन्मुख कर देने वाली विभूतियां, जिनके आगमन का केवल मात्र हेतु ही था कि त्रिताप से तप्त दग्ध जीव को भक्ति सुधा की मंदाकिनी में स्नान कराकर सदा सदा के लिए शीतल कर दिया जाए, परम विश्राम दे दिया जाए, ऐसी ऐसी विभूतियां इस मास में अवतरित हुई हैं, जिनकी कृपा से आज बाल गोपाल घर घर खेलते हैं, जिन्होंने जीव को सेवा का अधिकार दे दिया, भगवत सेवा का भाव देकर कृतार्थ कर दिया। ऐसे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, अभी दो दिन पूर्व उनका प्राकट्य उत्सव था, वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, और राधा चरण प्रधान श्री राधा के अस्मोध्रव रूप रस की सुधाधारा तीनों लोकों में प्रवाहित करने वाले श्री ठाकुर जी की वंशी